दीपा आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं भाई? अरे रुक जाओ ना एक मिनट, पहले विशु के टीचर को चाय देकर आती हूँ। ये रही आपकी चाय। थैंक यू। दीपा जी आपका बेटा बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है। अच्छा मेरा बच्चा। अच्छा मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ और फिर मैं तुम्हारी पोएम सुनूंगी। ओके के लिए कोई सपने देखती हूँ। तुम्हारा भी तो बच्चा है वो। हाँ हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके आई लव यू। ओके बॉस ने बहुत परेशान कर दिया है। तुम भी बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या बात है? अगर तुम कहो तो मसाज दे दूं तुम्हें। नहीं प्लीज आज नहीं, वैसे भी कल विशु को रिवीजन कराना है मुझे। दीपा यार तुम भी ना, मुझे लगता है जब से विशु पैदा हुआ ना तब से हम लोग पति पत्नी नहीं रहे, भाई बहन हो गए। काम का स्ट्रेस लेती हूँ, मुझे भी देती हूँ। इसको अभी डॉक्टर बनाना है क्या? हमारा बच्चा है वो, अगर आपको उसकी फ्यूचर का ख्याल नहीं है तो मुझे तो करने दो। अच्छा बाबा सॉरी, मानता हूँ वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं मेरा भी बच्चा है। ठीक है जैसा तुम कहती हो वैसे ही। क्या प्लीज बस एक किस। विशु के एग्जाम के बाद अभी नहीं।
सॉरी मुझे देर हो गई। तुम थी कहाँ पे? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? बच्चा अभी कब से बैठा हुआ? तुम्हें सिर्फ इसे पढ़ाना आता और कुछ नहीं आता। चलो बेचारे का उस आदमी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा लापरवाह होती आ रही? अगर बच्चा गुम हो जाता या फिर उसे कोई उठा कर ले आता तो क्या करते? मुझे अपने बच्चे का आपसे ज्यादा ख्याल है, इनफैक्ट आप सभी लोगों से ज्यादा। अरे देखो जो हुआ सो हुआ, अब झगड़ा बंद करो। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ, बस अब कोई लड़ाई नहीं होगी। टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ। आप काम पे ध्यान दो। ओके बाय। हेलो सॉरी, मैं इस स्कूल का इंग्लिश टीचर। आपका बेटा तो बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छा ही है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा होकर क्या मिलेगा? मेन सब्जेक्ट में अच्छा होना जरूरी है ना। मैं जस्ट सी रिपोर्ट कार्ड प्लीज। मैथ्स में तो इतने अच्छे नंबर लेकर आया है, आप इसे डांटिए मत। आई विल गिव हिम इंग्लिश ट्यूशन। थैंक यू सो मच, मगर हम अभी एक ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते। डोंट वरी, आपके लिए फ्री है। फ्री? जस्ट लेट मी नो व्हेन टू कम। मैं सेक्टर 16 में ही रहता हूँ, वो जूस की दुकान में आपको देखा। ठीक है, मैं अपने पति से बात कर लूंगी, आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए। श्योर, प्लीज नोट डाउन 898987। राइट, थैंक यू, वेलकम। Thank you.
आज ऐसा कौन सा स्पेशल दिन है कि तुम अपने बच्चे को छोड़कर मेरे पास आ गई? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको याद है मैंने आपसे विशु के ट्यूटर के बारे में बात की थी? आज मुझे विशु के स्कूल में एक ट्यूटर मिला। वो विशु को बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी ट्यूशन फीस लेने से भी मना कर दिया। फीस लेने से मना कर दी? आप ही तो मुझसे कहते हो कि मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है। एक बार विशु का ट्यूटर आ गया तो मैं आपको सारा वक्त भी कहूँ। बोलिए ना। खूबसूरत अंदाज में पूछोगी तो क्या मना कर पाऊंगा? विशु के नए ट्यूशन सर आने वाले थे। प्रशांत जी आइए ना प्लीज। हेलो दीपा जी। हेलो या नमस्ते। विशु जल्दी आओ, देखो नए सर आए हैं। हेलो करो। हेलो। हाय विशु। पापा जी आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। पापा जी आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वॉल्यूम कम करिए, विशु को पढ़ाई करनी है ना। लेकिन मुझे भी अभी न्यूज़ देखनी है। जबरदस्त बंदी बनाने और दूसरे कमरे में पढ़ लेंगे। ठीक है चल। उम्मीद है आप विशु बेटा करेंगे। बेटा ऊपर चलिए। Friends.
अरे दीपा जी बैठिए ना, बेटे की परफॉर्मेंस देखी? रियली? हाँ, I mean, he has learned a lot. विशु? विशु? मामा को पढ़ने सुना? एक मिनट. विशु होल्ड. रेन रेन गो अवे काउ मगेरा अनदर डे लिटिल जॉनी वांट टू प्ले रेन रेन गो नया शॉप फेस अगेन जॉनी 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 यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइन नो पापा ओपन योर माउथ हा हा आई कांट बिलीव दिस. हेलो, आप बिलीव नहीं करोगे, आपका बेटा फर्रातेदार पोएम बिना डरे बोल रहा है. मैं थोड़ी देर में बात करूं. आई कांट मिस दिस. ओके बाय. फिर एक बार. रेन रेन को अवेक का मुगेंदा अनदर डे लिटिल जॉनी वांट टू प्ले रेन रेन को टू स्पिन. दीपा कहाँ है पापा? ऊपर है. जब से वो नया टीचर है ना, ऊपर ही चढ़ी रहती है. बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है. जॉनी जॉनी बस सुना दो. जॉनी जॉनी है पापा ईटिंग शुगर नो पापा. माँ तुम भी ना. एक दिन समझ में आएगी मेरी बात, फिर याद करना मुझे. पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइन नो पापा ओपन पापा. जीतू जीतू देखो ना, थैंक्स टू मिस्टर प्रशांत हमारा बच्चा कितनी जल्दी सीख रहा है. मैं कल आ थी. हाँ माँ बोलो. बेटा ये लड़का जो विष्णु को पढ़ाने आता है, ये लड़का मुझे ठीक नहीं लगता. मैंने देखा है कि वो दीपा को बहुत अजीब नजरों से देखता है और दीपा भी उससे हंस हंस कर बातें करती है. थैंक यू. पर्सनल मामला है, पर मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, वरना कल को ऐसा ना हो कि हमें मालूम था और हमने तुम्हें बताया नहीं. बेटा ये लड़का जो विष्णु को पढ़ाने आता है, ये लड़का मुझे ठीक नहीं लगता. मैंने देखा है कि वो दीपा को बहुत अजीब नजरों से देखता है, पर मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, वरना कल को ऐसा ना हो कि हमें मालूम था और हमने तुम्हें बताया नहीं. दीपा, मुझे उस टीचर के हाव भाव कुछ समझ नहीं आ रहे. हमें विशु के लिए कोई दूसरा टीचर ढूंढना ही पड़ेगा. प्रॉब्लम उस टीचर के साथ नहीं है, आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है. पढ़ा तो रहे ठीक से वो विशु को. दीपा मैंने कह दिया ना, आज से और अभी से ट्यूशन बंद बस. तो मैंने भी कह दिया, मैं विशु के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी. अरे कौन सा फ्यूचर, बच्चा हुआ अभी, पूरी जिंदगी पड़ी उसके सामने. डॉक्टर बनाओगे उसे अभी? मुझे कुछ नहीं पता, अगर विशु को कोई पढ़ाएगा तो सिर्फ मिस्टर प्रशांत बस. देखो दीपा, मम्मी पापा को वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं. अरे तो मैं क्या करूं, उन्हें बोलो ना चले यहां से. दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बेटा तुम दोनों हमारे वजह से झगड़ा मत करो, कल हम लोग यहां से चले जाएंगे. प्लीज आप कहीं नहीं जा रहे. देखिए वो आपकी बहू है, माफ कर दीजिए ना उसको. और आप तो जानते दीपा दिल की बुरी नहीं है, वो तो विशु को लेकर थोड़ा परेशान थी बस. मैंने कह दिया बाबा आप कहीं नहीं जा रहे. नहीं बेटा, अब हमने तय कर लिया है, हम तेरे बड़े भाई के घर जाएंगे और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए. लेकिन बाबा प्लीज. नहीं बेटा हमें मत रोक. पापा अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं और विश्व आपको स्टेशन छोड़ाते हैं. ठीक है लाइए मैं बैग दीजिए. चल बेटा.
आगे चल के वो कुछ बने। मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ, प्लीज। आई नीड यू, आई लव यू। मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आप यहाँ इस वक्त? हाँ, तुमने ही तो फोन करके बुलाया था। हाँ, I'm so sorry, वो मैं स्ट्रेस में भूल गई थी। एक मिनट। ये रहा आपका हिसाब, अब आप यहाँ मत आया करिए। दीपा, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आता था, मैं तो तुम्हारे लिए आता था, because I love you। क्या? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें प्यार नहीं करता। दीपा, trust me, मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो बस। कुछ क्या बकवास कर रहे हो तुम? दीपा, trust me, मैं सचमुच सब सबको संभालूंगा। चलो ट्रैफिक भी नहीं चाहता कि आप लोग वापस जाएं, तभी तो आपकी ट्रेन भी मिस हो गई। अरे दीपा, क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो दीपा, कौन आया था? बोलो ना, क्या हुआ? बोलो। कौन हो सकता है उस प्रशांत के सिवा? मैं पहले से ही कहती थी ये सब उसी का किया धरा है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में घुसकर ऐसी घिनौनी हरकत करने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। रुक भाई देव। जीतू, तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ जाके रोको अपने बेटे को। क्यों? चीज द्वारा गर्दन पर हमला करने की वजह से इनकी मौत हुई। आपको इसी पर शक है? मुझे है। मैं जानती हूँ ये किसने किया है। ये सब कुछ प्रशांत ने किया है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तभी जीतू गुस्से में उसी के पास गया था। इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ प्रशांत ने किया है। नो इंस्पेक्टर, मिस्टर प्रशांत आज स्कूल नहीं आया है और इस लीव के बारे में उन्होंने कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया है। ओके सर, लेकिन आपको जैसे ही प्रशांत के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले हमें जरूर खबर करें। बिल्कुल।
एक मर्डर का मामला है। इन्फॉर्मर्स को खबर कर दो जी और उन्हें प्रशांत की फोटो दिखाओ। इस प्रशांत को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है। यही कह रहा है कि इसने आपके पति का खून नहीं किया। सर झूठ कह रहा है, किसी ने मारा मेरे पति को, किसी ने। प्लीज हमारे इंट्रोगेशन जारी है, ये बहुत जल्द सब कुछ निकल देगा। आप शांत हो जाइए और जाइए यहां से। प्रशांत को फंसा तो दिया, मगर अगर उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बेटा ध्यान से देखो, कल एग्जाम में आएगा ये। 70, 71, 72 विशु यहाँ देखो। 81,
विशु, विशु थ्री डी टू जा विशु बेटे यहाँ ध्यान दो, डी टू जा विशु बेटे ध्यान दो, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा विशु बेटे ध्यान कहाँ है तुम्हारा, आज से तेरे प्रशांत सर नहीं आएंगे, वो बहुत ही बुरे इंसान थे, आज से मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा। प्रशांत सर बुरे नहीं थे। मिस्टर जीतू की गर्दन से मिली थी वो एक्चुअली शुगरकेन यानी गन्ने में पाई जाती है, और ये भी पॉसिबल है जो नुकली चीज उसके गर्दन में घुसाई गई थी वो एक शार्प गन्ना। अब इस दुकान को खोलने की जरूरत नहीं है, ले चलो। इंस्पेक्टर साहब आप, क्या हुआ, क्या बात है? वो तो उस रात विशु ने तुम दोनों को छत पर देख लिया और मिस्टर पारिक को सब कुछ बता दिया। प्रशांत सर बुरे नहीं थे, मैंने मम्मा को जूस वाले अंकल के साथ टेरेस पर रात को देखा था। फिर मिस्टर पारिक मेरे पास आए, मैंने उन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई, इसके बाद मेरे मन में कोई शक नहीं रहा। अब तुम दोनों बताओ कि तुम लोगों ने ये घिनौनी हरकत क्यों की? मैं हमेशा से शमीम से प्यार करती थी और मैं शमीम से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी जीतू से करा दी, और जब मेरी शादी हुई तो मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। ये बात सिर्फ मैं और शमीम जानते थे कि विशु जीतू का नहीं बल्कि शमीम का बेटा है। क्या गलत करती हूँ मैं अगर मैं विशु के लिए कुछ सपने देखती हूँ? तुम्हारा भी तो बच्चा है वो। आज दुकान पर तुम्हें देखकर एक आदमी तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। देखो कैसे दिल दुखा दिया बेचारे का उस आदमी ने। के स्कूल में टीचर है। अच्छा तो फिर मैं उसे फंसा लूंगी। तुम तो किसी को भी फंसा लोगी मेरी जान। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सुनो, हम उसका यूज करके जीतू को अपने रास्ते से हटा सकते हैं, मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अजी हम तो आपकी मदद को हमेशा तैयार हैं। जानबूझकर प्रशांत को अपनी तरफ आकर्षित की, और अपने सास ससुर के दिमाग में भी उसके लिए शक डाला।